हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल नियर एकेडमी में। मैं सूरज कुमार सैनी आज आपके सामने एक बार फिर प्रेजेंट हूँ। आज अपनी क्लास एक्टिव और पैसिव पे जो हमारी क्लासेस चल रही थी, पैसिव के ट्रांसलेशन हम कर रहे थे, उसकी आज नेक्स्ट क्लास है, Part-4 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, इसका एक एक पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके इंग्लिश ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछली वीडियो में, पिछले क्लासेस में हमने देखा कि हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस के पैसिव हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इंट्रोगेटिव को हम लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो आज मैं आपके सामने कुछ स्पेशल वर्ब्स लेकर के आया हूँ, उनको पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम उसके ट्रांसलेशन बनाएंगे। ये Part-4 है, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि आज हमारा पैसिव वॉइस ट्रांसलेशन का Part-4 चल रहा है, और ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनको कि आप मॉडल्स भी कहते हैं। नीचे भी कुछ और दूसरे वर्ब्स हैं, जैसे देखिए कैन है, कैन के लिए सकता है होता है, कुड के लिए सका, शुड के लिए चाहिए, मस्ट के लिए अवश्य चाहिए, ऑट टू अगर आ जाए तो वो अवश्य ही चाहिए हो जाता है, मे के लिए कर सकता है, माइट के लिए कर सका पास्ट टेंस में, वुड के लिए कर सकेगा, यूज टू के लिए किया करता है और यूज टू के लिए किया करता था, हैज टू हैव टू पढ़ता है और हैड टू के लिए पढ़ा और विल हैव टू के लिए पढ़ेगा। उसी तरह से इज टू, एम टू, आर टू के लिए ना है और वॉज टू, वर टू के लिए ना था। तो ये आपके कुछ वर्ब्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होंगे। इनका हमें अगर हिंदी में इसका यूज देखेंगे तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे पैसिव वॉइस में, आज हम लोग ये सीखेंगे। तो अगर इनका हम यूज एक्टिव वॉइस में करेंगे तो हम सीधे सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इन्हें लगाएंगे और हम अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख करके ऑब्जेक्ट बना देंगे, जो हम हमेशा करते आए हैं। लेकिन अगर हम इनके लिए पैसिव हमें बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेंटेंस का सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम इन वर्ब्स में से कोई भी वर्ब्स जो भी हमारे हिंदी सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा उसको लेंगे। उसके बाद फिर हम अपनी हेल्पिंग वर्ब बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इस तरह से इन वर्ब्स का, इन हिंदी के वर्ड्स का हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर पाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है पैसिव वॉइस ट्रांसलेशन के लिए। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपने शायद ले लिया होगा इसका, अगर नहीं भी लिया है तो वीडियो को फॉरवर्ड, रिवाइंड, बैकवर्ड करके देख सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो चलिए अब हम लोग इन्हीं सब वर्ड्स पर, इन्हीं सब हेल्पिंग वर्ड्स पर ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए मैं इसको रब करता हूं। अब जैसे कि हमारे सामने कोई सेंटेंस आ जाए, उसकी कार बेची जा सकती है, उसकी कार बेची जा सकती है। अब ये देख रहे हैं आप, सकती है आया हुआ है, और हमारी उस हेल्पिंग वर्ब की चार्ट में हमें यहाँ पर कैन का यूज करना है। और क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव में है, पैसिव में कैसे हमने बताया था कि सेंटेंस में एक्शन हो रहा हो लेकिन उसको करने वाला प्रेजेंट ना हो, तो कार को तो बेचा जा सकता है लेकिन कौन बेच रहा है ये प्रेजेंट नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आइए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसकी कार बेची जा सकती है, हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, यही है हमारा ऑब्जेक्ट हिज कार, और अकॉर्डिंग टू वो चार्ट हिज कार के बाद हमें ये वर्ब लिखना है बेची जा सकती है, कैन लगाएंगे, फिर आपने देखा होगा उसके बाद हमें बी लगाना है, तो हमने यहाँ पर बी लगाया, हिज कार कैन बी, बेचने के लिए सेल होती है तो सेल का थर्ड फॉर्म हमें लगाना है सोल्ड, हिज कार कैन बी सोल्ड। देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, उसे आज मार पढ़नी चाहिए। एक बार फिर से आपका सेंटेंस पैसिव का है, मार पढ़नी चाहिए लेकिन कौन मारेगा ये प्रेजेंट नहीं है, तो सब्जेक्ट हमारा ही हो जाएगा ही, और चाहिए, चाहिए के लिए चार्ट में देखिए शुड लिखा हुआ है, ही शुड, शुड के बाद आपको बी लगाना है, ही शुड बी, मार पढ़ने की इंग्लिश बीट होती है, बीट का थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे, ही शुड बी बिटन,
आज तो आज के लिए आप टुडे लगा दीजिए, ही शुड बी बिटन टुडे, इस तरह से हम इसका सेंटेंस बना लेंगे। राहुल को राहुल के ऊपर दया दिखाना चाहिए। तो देखिए ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ये भी एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो ऑब्जेक्ट मिलेंगे हम लोग सब्जेक्ट फॉर्म में राहुल, और हेल्पिंग वर्ब हमारी शुड, राहुल शुड, फिर बी लगाना है दिखाने की इंग्लिश हो जाएगी शो, शो का थर्ड फॉर्म राहुल शुड बी शोन, और दया की इंग्लिश क्या हो जाएगी मर्सी, राहुल शुड बी शोन मर्सी। तो इस तरह से हम पैसिव वॉइस ट्रांजिशन करेंगे हमारे उन हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से, हमारे उस मॉडल की मदद से। आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। उसे ठंडा पानी देना पड़ा। देखिए ये फिर से पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस है, उसे ठंडा पानी देना पड़ा, तो पड़ा आ गया है, पड़ा पास्ट का वर्ड है, पास्ट के लिए इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आप उस चार्ट पे एक बार देखिए, पड़ा के आगे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है हैड टू, तो ही हैड टू, अब हमें इसमें बी लगाना है, ही हैड टू बी, देने की इंग्लिश आप लगाएंगे गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, ही हैड टू बी गिवन कोल्ड वॉटर, ही हैड टू बी गिवन कोल्ड वॉटर। एक और सेंटेंस देखते हैं, इस ट्रेन को रोका जा सका, इस ट्रेन को रोका जा सका, फिर से एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो इस ट्रेन को तो हो जाएगा दिस ट्रेन रोका जा सका। फिर से आप एक बार उस चार्ट में देखिए, सका सका के लिए हमको लगाना है कुड, और कुड के साथ लगाना है बी, दिस ट्रेन कुड बी, और रोकने की इंग्लिश हो जाएगी स्टॉप, दिस ट्रेन कुड बी स्टॉप। तो आप देख सकते हैं कि उन उस चार्ट की हेल्प से हम अपने बहुत सारे सेंटेंस को बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। उसमें ऊपर से कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं, नीचे कुछ स्पेशल कैटेगरीज के वर्ब्स है ना था वाला, तो आप उस सेंटेंस पर भी प्रैक्टिस करिए, हिंदी के सेंटेंसेस बनाइए। मैं हर वीडियो में आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ढेर सारे हिंदी के सेंटेंस अपने से बनाइए और नीचे मुझे कॉमेंट करके वो हिंदी के सेंटेंस दीजिए, अगर आप उसका ट्रांसलेशन नहीं बना पा रहे हैं तो। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का मैं पूरी तरह से जवाब दूंगा। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को आप देखिए प्लेबैक करके और आगे फॉरवर्ड करके, और उसको चाहे तो आप डाउनलोड कर लें और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पसंद थोड़ा सा भी आया हो तो आप लाइक करिए, आपके लाइक से मुझे एनर्जी मिलती है और अगला कंटेंट मैं अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जल्दी ही मिलते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस ट्रांसलेशन पार्ट 5 में, उस पे हम लोग कुछ और मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस पर प्रैक्टिस करते रहिए, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।